बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को एक बार फिर से देश छोड़ना पड़ा। लोगों में विद्रोह की आग इस कदर बढ़ गई थी कि वो देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना तक को भी नहीं बख्शना चाहते थे। इधर भी शेख हसीना के घर की ओर बढ़ रही थी, उधर शेख हसीना लोगों को संबोधित करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शेख हसीना की जान पर खतरा इतना बढ़ गया कि उसी क्षण तुरंत शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ गईं। शेख हसीना ढाका से अपने हेलीकॉप्टर में सवार होकर सीधा भारत आ पहुंची, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर शेख हसीना को इतना मजबूर क्यों होना पड़ा कि उन्हें जान बचाकर देश तक छोड़ना पड़ गया। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे कौन? दरअसल देश के छात्रों का गुस्सा भड़क उठा था। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के पीछे जिस शख्स की मेहनत है वो है एक स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम। वह एक छात्र संगठन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने अगले 24 घंटे में एक अंतरिम सरकार के गठन की अपील की। नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। नाहिद उस आंदोलन का चेहरा है जिसकी वजह से शेख हसीना को आनन फानन में अपना देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया था कि 20 जुलाई की सुबह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि पुलिस उन्हें गाड़ी में बिठा रही है। नाहिद इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे के बाद उन्हें एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया था। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें तब तक पीटा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गए। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। इससे पहले उनके दोस्त आसिफ महमूद और अबू बकर को 19 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके 6 दिन बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर दूर दराज के इलाके में छोड़ दिया गया। इसके बाद से ही वे सभी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। इस दौरान 26 जुलाई को उन्हें अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद नाहिद इस्लाम जब पुलिस हिरासत से बाहर आए तो उन्होंने आंदोलन और तेज किया। हालात ऐसे बन गए कि शेख हसीना को अपने पद के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में किसकी होगी सरकार? नाहिद इस्लाम ने अगले 24 घंटे के भीतर एक अंतरिम सरकार के गठन की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए छात्र संगठन अपना प्रस्ताव भी रखेगा। इस दौरान उन्होंने कहा, हम सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल और स्टेट स्टेक होल्डर्स से पहले चर्चा करेंगे। वहीं बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और देश को फिलहाल अंतरिम सरकार चलाएगी। इसके अलावा आर्मी चीफ ने सभी दलों की बैठक भी बुलाई है।